हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, बायोलॉजी। यहां से हर एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम बना रहा है, चाहे सीएससीएल का एग्जाम बना रहा है, चाहे सीजीएल का एग्जाम बना रहा है, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम बना रहा है, उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए जानते हैं बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे, शेल। तो शेल से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। बायोलॉजी का मीनिंग होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगोस। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, याद रखना, लैमार्क ट्रेवेंसन ने बताया था। किसने बताया? लैमार्क प्लस टेबरेंसन ने बताया था। तो फिर अरस्तु कौन है? तो अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि वर्गीकरण के पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपकी बायोलॉजी का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो अब हम सेल में अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा था। किसको देखा था? कोशिका को। सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना, ल्यूवेन हुक ने की थी। तो देखो, पहली बार कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने की थी। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान से नोट कर लेना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। इतनी बात समझ आई। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारी क्या है, शेल है, यानी कि कोशिका है। अब कोशिका के अंदर ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है मेरे भाई? केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केंद्रक द्रव। अब ये क्या होती है, ये हमारी कोशिका होती है। तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जो चीज बनती है ना, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। ये मनुष्य के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य की सारी गतिविधियां होती है। तो जीव द्रव में क्या होता है, मनुष्य की सारी गतिविधियां होती है। अब अगली चीज, जीव द्रव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, पुरकिज्जे के द्वारा दिया गया था। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब सेल में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो आपकी शेल है, इसके बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आवरण, यानी कि बाह्य आवरण। बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन समझिए, क्या पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो आंसर है, पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली। तो पादपों में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जंतुओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल वॉल। पादपों में पाई जाती है लेकिन सेल वॉल पादपों में नहीं पाई जाती है। अब याद रखना, कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा। अगला चीज, अगली समझिए कि जंतुओं में, किसमें, जंतुओं में कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सिलेक्टिव होती है। जिन चीजों को आना अलाउ करना है वही चीज आएंगी, जिसको नहीं करना वो चीज इसमें नहीं आएगी, याद रहेगा अच्छी से, ठीक है। आइए दोस्तों अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो याद रखना, राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो याद रखना, राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो याद रखना, राइबोसोम है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? पैलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट कण कहते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, पादपों में कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। पादपों में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कहां होती है? हमारे ब्रेन में होती है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जो कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुक्राणु में होती है, ऑस्टिक्स में होती है। किसमें होती है? ऑस्टिक्स, यानी कि शुक्राणु में होती है। दोस्तों अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी रही कोशिका, यानी कि जंतु कोशिका, ठीक है। अब जंतु कोशिका में शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? तो याद रखना, शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसके अंदर होती है माइक्रोकोंड्रिया। ये जो आपको दिख रहा है ना सेल के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोकोंड्रिया कहा जाता है। इस माइक्रोकोंड्रिया को ही कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी कि पावर हाउस। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइक्रोकोंड्रिया को कहा जाता है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, ये जो माइक्रोकोंड्रिया जो होती है, जो दोहरी झिल्ली होती है, तो इसलिए माइक्रोकोंड्रिया को क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो याद रखना, माइक्रोकोंड्रिया को कहा जाता है।
दूसरा क्वेश्चन ये कहती होती है, ये दोहरी झिल्ली होती है। अब इसमें एनर्जी कहां सेव होती है, तो इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में सेव होती है। कैसे सेव होती है? एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडिनोसिन ट्राइसल्फेट, एंडिनोसिन ट्राइसल्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की। यहां पर क्या होती है? एनर्जी सेव होती है। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं, इसी को हम बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा मुर्दा। एटीपी को ही क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुर्दा कहा जाता है। अगली चीज मैं आपको बता दूं कि माइक्रोकोंडिया को हम क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइक्रोकोंडिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। इतनी बस मैं ठीक चीज मैं आपको बताता हूं। कोशिका के अंदर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। ये कोशिका पर जो प्रभार आता है उसको अपने ऊपर लेकर, मतलब खुद मरकर इसको बचाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, यानी कि आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, ये देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। अब राइबोसोम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। पहली चीज तो याद रहेगी, कोशिका की एनर्जी फैक्ट्री, वो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। अब राइबोसोम से संबंधित सवाल सुनिए। राइबोसोम में देखिए, ये सबसे छोटी कोशिकांग होता है। ये क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये कोशिकांग का कोशिकांग होता है। राइबोसोम को कोशिकांग का क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तीसरी चीज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पैलेट ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं अलग से इसमें, कोशिका का यातायात प्रबंध। कोशिका का यातायात प्रबंध किसको कहा जाता है? तो गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कर लेना, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ए दोस्तों, अब अगली चीज हम बात करते हैं। अभी हमने कोशिका का सारी चीज स्टडी कर ली थी, केंद्रक रह गया था। अब केंद्रक को हम अलग से स्टडी करते हैं। देखो, केंद्रक सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन जानते हैं, बनता है कि इस केंद्रक की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होता है? धामेनुमा, ये रस्सियां होती हैं। धागेनुमा क्या होती हैं? रस्सियां होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन के अंदर एक बॉक्स टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के सारे ही ये धागेनुमा, इस पर ये लटाएं लगी रहती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन किसके सारे टिकी होती है? स्टोन प्रोटीन के सारे टिकी होती हैं। और इसके सहारे क्या होता है? डीएनए होता है, इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अनुवांशिकता होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं कि ये जो धागेनुमा होता है ना, ये धागेनुमा, ठीक है, आकृति होती है, इसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। और इंग्लिश में गुणसूत्र को कहें तो क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो याद रखना, 46 पाए जाते हैं। और कितनी जोड़ी होता है? 23 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है? 23 जोड़ी। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इस 23 जोड़ी में दो चीजें, एक कामिक गुणसूत्र होता है और एक क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र होता है। कामिक गुणसूत्र आपके कितने होता है? 22 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी में कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। और जो आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है ना, वो दो होते हैं, और उसमें जोड़ी कितनी होती है? आपकी एक होती है। और उसमें से भी मेल का होता है XY और फीमेल का होता है XX। इसको मैं और डिटेल में अलग से आपको पढ़ाऊंगा जब मैं गुणसूत्र वाली क्लास लूंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कोशिका का जितना भी हो सकता था पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, कल की क्लास और आज की क्लास, दोनों क्लासेस को आप देख लोगे, निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है कोशिका से संबंधित। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा पूरा साइंस का जो कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको टाइम टाइम मिलता है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।